Aurifix OnePlus 9R Conference Call Not Working Problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने डिवाइस में कॉन्फ्रेंस कॉल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर कॉन्फ्रेंस कॉल कर नहीं पा रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन जिसके मदद से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी कॉन्फ्रेंस कॉल के रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं तो मेन है सेटिंग्स। सेटिंग्स अच्छे से फॉलो करना होगा और सॉल्यूशन करना होगा। पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, आइए मैं आपको कुछ बेसिक सॉल्यूशन के साथ सेटिंग बता देता हूँ। अगर कॉन्फ्रेंस कॉल काम नहीं करते, सबसे पहले जाइए सेटिंग, स्क्रॉल डाउन कीजिए, उसके बाद सिस्टम पर क्लिक कीजिए, रीसेट ऑप्शन सेलेक्ट करके रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे क्लिक करें, अपना सिम सेलेक्ट कीजिए, रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड भर दीजिए, और ये करने के बाद आपको बैक करना है। जैसे ही दोस्तों आप बैक करोगे, आपको थोड़ा सा ऊपर में जाना है, फाइंड आउट करना है एप्स एंड नोटिफिकेशंस, तो उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद दोस्तों, आपको सी ऑल एप्स पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है फ़ोन सर्विस, ठीक है। तो सर्च कर लीजिए अपना फ़ोन सर्विस को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऑन कीजिए, स्टोरेज में जाइए, क्लियर स्टोरेज में क्लिक करके ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको बैक करना है, मेक श्योर सारे परमिशन इसका इनेबल्ड रहे। उसके बाद आपको बैक करना है, डिवाइस को रिस्टार्ट करना है, ठीक है। और ये करने के बाद जाइए वाईफाई नेटवर्क सेटिंग, सिम कार्ड एंड नेटवर्क्स, और उसके बाद सेलेक्ट कीजिए प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप को। प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप आपका सेट होना चाहिए 4G पे, जैसे भी हो 4G नेटवर्क हमें चाहिए, ठीक है। विदाउट 4G नेटवर्क कॉन्फ्रेंस कॉल पॉसिबल नहीं है। तो 4G नेटवर्क कनेक्ट करें, अपना सिम को ओपन करें, वॉल्ट इनेबल कर दीजिए, क्योंकि वॉल्ट के बिना आप कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर पाओगे। तो वॉल्ट यूज़ कीजिए विथ 4G। तो ये सॉल्यूशन और सेटिंग अगर आप एक साथ फॉलो करते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस कॉल आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे मोबाइल बैलेंस, ठीक है, जिससे आप कॉल कर सके, और जिस भी नंबर पे वो आप कॉल कर रहे हैं वो नंबर जो है वैलिड होना चाहिए बस, ठीक है। यहाँ पे कॉल वेरिंग वगैरह का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अगर कॉल का प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन बना दिया है। आज हम बात करें कॉल कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बेसिक सॉल्यूशन के साथ सेटिंग बता दिया है। अभी मान लीजिए ये सॉल्यूशन काम कर जाते हैं तो आगे सॉल्यूशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, मोबाइल सॉफ्टवेयर को रिबूट करना है, ठीक है। यानी कि मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट करना है, बस यही मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, पावर बटन पे प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद पावर ऑफ के बटन पे 2 सेकेंड टैप करके रखना है, ओके कर देना है। ओके करते ही मोबाइल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके वजह से ओके नहीं किया। तो आपको ओके करना है, मोबाइल को सेफ मोड पे रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। रिबूट या फिर रिस्टार्ट सेम ही है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, चेक करके देखना है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो जाइए सेटिंग, स्क्रॉल डाउन कीजिए, सिस्टम पर जाइए, और स्क्रॉल डाउन करके सिस्टम अपडेट पर जाके अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ ही साथ आपको बैक करना होगा, प्ले स्टोर में जाना होगा, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा फ़ोन सर्विस, और आपका जो फ़ोन सर्विस है वो है गूगल LLC की तरफ से, तो जाके उसको आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे आपका अभी ऐप अपडेट हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर दिया है, और आपका सिस्टम भी अपडेट हो चुका है। अभी आप ट्राई करके देखिए
प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो चुका होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों कॉन्फ्रेंस कॉल के रिलेटेड सॉल्यूशन। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आते तो आप इस सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल बहुत ज़्यादा पुराना होने के बाद, तो आपको जाना है सिस्टम, ठीक है, रीसेट ऑप्शन को सेलेक्ट करें, फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए अपने मोबाइल को। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपका कॉन्फ्रेंस कॉल का इशू फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो दोस्तों आप अपने नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करके उनका मदद भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन बता दिया है। अगर कुछ भी करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आप उनसे उनको भी जो है एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है, उनसे भी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।